जय गुरुदेव। दोस्तों, स्वदेशी मॉल डॉट इन एक ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट है और ऑनलाइन हम स्वदेशी प्रोडक्ट सेल करते हैं। बहुत समय पहले हमने गुरुदेव डॉक्टर राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से यह साइट की शुरुआत की थी, यह ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की थी, जहां से लोगों को आसानी से सामान मिल सके, कोई इंडियन सामान मिल सके, मेड इन इंडिया या तो मेक इन इंडिया सामान इस साइट से मिल सके और जेन्युइन सामान भारत के सभी लोगों तक पहुंच सके, ऐसे उद्देश्य से हमने इस साइट की शुरुआत की थी, मतलब ऑनलाइन स्टोर की शुरुआत की थी। लेकिन दोस्तों, अभी हम दूसरे व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, इसी वजह से हम स्वदेशी मॉल पे कोई भी बिक्री शुरू नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत साल पहले हमने ये साइट की शुरुआत की थी, ये स्टोर की शुरुआत की थी, तो कोई भी स्वदेशी सर्च करते हैं तो वो टॉप रैंक पर आती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो स्वदेशी नाम से साइट बनाकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कंप्लेन आती है, बहुत सारे लोग स्वदेशी नाम रखकर वहां पर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते हैं, चाइनीज आइटम बेचते हैं, ऐसी डुप्लीकेट आइटम बेचते हैं जो रियल में उसकी वैल्यू बहुत ही लो होती है। उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उसकी ऑनलाइन एड चलाते हैं, एड कैंपेन चलाकर लोगों को ऑर्डर करने में मजबूर करते हैं, लोग वहां से ऑर्डर करते हैं, उसको सामान भेजा जाता है, लेकिन सामान मिलने पर उसकी लो क्वालिटी की वजह से वो कस्टमर फिर से गूगल में सर्च करते हैं स्वदेशी, और नाम आता है स्वदेशी मॉल डॉट इन, क्योंकि वो टॉप पर रैंक कर रही है। तो स्वदेशी मॉल डॉट इन पर वो जाके वहां से हेल्पलाइन नंबर लेकर वो हमें कॉल करते हैं कि सर, हमने आपकी साइट से ये ऑर्डर किया था लेकिन ये चीज हम वापस करना चाहते हैं, तो क्या करें। फिर हमें समझाना पड़ता है कि सर, ये एक्चुअली हम ऐसा कोई सामान हमारी साइट पर रखते नहीं है और बेचते नहीं है, आपने शायद किसी और स्वदेशी नाम की साइट से, मिलती जुलती कोई साइट से ऑर्डर किया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आती है, आप ऑर्डर करते हो, तो इतना जरूर करें कि उस साइट का URL यानी कि उसका जो डोमेन है, साइट का वेब लिंक है, उसे नोट करके रखें। उस प्रोडक्ट आपने जो ऑर्डर किया है उसकी डिटेल आपके पास रखें। इतना ही नहीं, उस साइट का जो हेल्पलाइन नंबर है वो हेल्पलाइन नंबर भी आप नोट करके रखें। जब भी ऐसा कोई इश्यू आता है, आपको प्रोडक्ट पसंद नहीं आती है, तो आप उसे वापस भेज सकते हैं, आप उसका कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत सारी ऐसी कंप्लेन मिलती है, बहुत सारे कॉल आते हैं, वो लोग क्योंकि सोशल मीडिया पे एड चलाते हैं, एड कैंपेन चलाते हैं, इसी वजह से बहुत सारे कस्टमर उनको मिलते हैं और फिर प्रोडक्ट पसंद नहीं आने की वजह से वो सर्च करते हैं स्वदेशी और हमारी साइट वहां पे शो होती है और वो हमारा कॉन्टेक्ट करते हैं। मुझे आपको थोड़ा सा खुलासा करना था, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, इसी वजह से हमें भी थोड़ी सी तकलीफ होती है और हमें भी दुख होता है कि स्वदेशी के नाम से ऐसा भी हो रहा है। तो दोस्तों, सावधान हो जाइए और ऐसी फ्रॉड साइट से बच के रहें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, वंदे मातरम।